बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन इन दोनों अपनी फिल्म सुपर 30 को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच सुपर 30 को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये पूरी बायोपिक ही झूठी निकल गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुपर 30 आनंद कुमार की बायोपिक है और इस बायोपिक में आनंद कुमार की भूमिका ऋतिक रोशन निभा रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि ऋतिक रोशन की आनंद कुमार की बायोपिक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुकी है। आनंद कुमार के सुपर 30 कोचिंग सेंटर को लेकर अभी हाल ही में कुछ खुलासे हुए, जिसके बाद ये पूरी बायोपिक ही झूठी लगने लग गई है। जैसे कि सभी जानते हैं कि आनंद कुमार हर साल 30 बच्चों का चयन करते हैं और उन्हें IIT की कोचिंग देते हैं, और अमूमन इन 30 बच्चों का चयन IIT में भी हो जाता है। तो ये सभी सारे बच्चे गरीबी तबके से आते हैं, इसलिए सबको लगने लग गया था कि आनंद कुमार इन सभी बच्चों के लिए देवता के समान है। लेकिन अभी हाल ही में आई रिपोर्ट्स की माने तो केवल ये कहानी ही है। आनंद कुमार के सुपर 30 के बच्चे दरअसल एक दूसरे कोचिंग सेंटर से चुने जाते हैं, जिसमें साल भर फीस देकर पढ़ना जरूरी है। इस सेंटर की फीस करीब 40,000 रुपए, जहां सालाना 400-500 बच्चे पढ़ते हैं। तो इस बड़े खुलासे से यही लगता है कि आनंद कुमार की ये बायोपिक झूठी निकलती है। सुपर 30 में ऋतिक रोशन की सारी मेहनत बेकार होती दिख सकती है। वैसे देखा जाए ऋतिक रोशन ने सुपर 30 के लिए काफी मेहनत किया था, उन्होंने अपने लुक्स को इस फिल्म के लिए काफी बदल दिया था, लेकिन अब ऐसे खुलासे से उनके फिल्म पर भयंकर संकट आ गया है।